ये एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप्स लकी। तो गाइस आज के वीडियो होने वाली है वो होने वाली है हमारा जो क्रिएटर स्टूडियो होता है फेसबुक का, बेसिकली हमारा क्रिएटर स्टूडियो होता है उसमें जो हमारी पुरानी वीडियोज होती है, अगर आपका जो पेज है वो मोनेटाइज हो जाता है और आपकी जो पुरानी वीडियोज होती है उन पर आपको एड लगाने होते हैं तो किस तरीके से हमें जो है वो एड लगाने होंगे वो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। बने रही वीडियो पर एंड तक। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड गाइस, रिपोस्ट करना भी मैं आपको बताने वाला हूँ। रिपोस्ट क्या होता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ। क्या नॉलेज है वो आपको मैं बता रहा हूँ कि रिपोस्ट क्या होती है। सबसे पहले लोगों का ये सवाल होगा कि अभी रिपोस्ट क्या होती है फेसबुक में। मैं आपको बता दूं, यूट्यूब में ऐसा नहीं होता कि हम एक वीडियो को दोबारा से रिपोस्ट कर सकते हैं, बट फेसबुक में ऐसा होता है। हमें वीडियो को अपलोड नहीं करना, वहां पर हमें एक बटन मिलता है क्रिएट पोस्ट विथ वीडियो। उसका मतलब ये होता है हम इसी वीडियो को दोबारा से अपने टॉप पर ला सकते हैं। जैसे मेरे, मान लीजिए मेरी कोई वीडियो है जो काफी नीचे है मेरे पेज पर, काफी नीचे वो वीडियो है, तो मुझे उसको टॉप पर लाना है, ठीक है, नीचे से टॉप पर ऊपर सबसे पहले लाना है। लोगों को ये लगेगा कि मैं उस वीडियो को दोबारा से अपलोड कर रहा है, मगर वो नहीं होगा, वो वीडियो ओनली रिपोस्ट होगी। रिपोस्ट का मतलब भी यही होता है कि उस वीडियो को ऊपर लाना, जैसे पोस्ट माने हमारी बेसिकली अपलोडिंग होती है, री माने उसे दोबारा करना, दोबारा से अपलोड करना एक तरीके से वही हो गया, मगर उस पर हमारा कोई कॉपीराइट वगैरह कुछ नहीं आता। मगर कैसे करते हैं रिपोस्ट वो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। बने रही वीडियो पर एंड तक। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पीछे लैपटॉप की स्क्रीन पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बेसिकली जो हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर होगा वही हमें अपने मोबाइल की स्क्रीन से करना होगा। बस इतना फर्क है कि लैपटॉप से थोड़ा आसानी से हो जाएगा, मैं आसानी से कर पाऊंगा, एंड बेसिकली किसी और दिन में मैं आपको मोबाइल से करना सिखा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने अपनी जैसे कि क्रिएटिव स्टूडियो को ओपन करके रखा है अपने लैपटॉप में। उसके बाद मैं यहाँ पर अभी होम स्क्रीन पर हूँ, तो यहाँ पर मुझे साइड में बटन आपको देखने को मिल जाते हैं पब्लिश्ड पर हमें यहाँ पर जाना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो पेज है वो अभी ओपन हो रहा है। यहाँ पर हमारी जो सारी वीडियोज हैं वो यहाँ पर हमें देख सकते हो अब शो होने लगी हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो देख लेता हूँ। मेरी एक वीडियो पर गाइस ऐड लगे हुए नहीं है, तो हमें पुरानी वीडियो पर ऐड किस तरीके से लगाने होंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि ये वाली जो मेरी पैंट की बैक पॉकेट बनाना मैंने इसमें सिखाई है। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो इस वाली जो मेरी वीडियो है इस पर ऐड नहीं लगे हुए, 14 मिनट की वीडियो है इस पर ऐड नहीं है। इस पर मैं जैसे ही आता हूँ यहाँ एडिट पोस्ट का हमें बटन मिल जाता है, हम इस पर करते हैं गाइस क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं साइड से। यहाँ पर इन स्ट्रीम ऐड का बटन है, इस पर हमें क्लिक करना होगा, एंड यहाँ पर ऑन का जो बटन है हमें इस पर क्लिक कर लेना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइस हम कर लेते हैं सेव। यहाँ पर आप चूज प्लेसमेंट भी कर सकते हो, ऑटोमेटिक भी इसमें ऐड प्लेस हो जाएंगे। ऑटोमेटिक करो या चूज करो भाई, वो आपकी मर्जी के ऊपर है, जैसा करना चाहते हो वैसा कर लो। एंड यहाँ पर ऐड होने ऑन होने के बाद यहाँ पर हम इसको कर देते हैं सेव। एंड गाइज मैं आपको एक और चीज इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपके पास कोई आज अपलोड करने के लिए कोई वीडियो नहीं है तो हम अपनी अपनी ही वीडियो को दोबारा से रीपोस्ट कर सकते हैं, वो हमें किस तरीके से करना होगी वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। बने रहिए वीडियो पर एंड तक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मुझे इसी वीडियो को अभी रिपोस्ट करना है, तो यहाँ पर क्रिएट पोस्ट विथ वीडियो का जो बटन है यहाँ पर एडिट वीडियो व्यू इन हाइट्स क्रिएट पोस्ट विथ वीडियो पर हम जैसे कर लेते हैं यहाँ पर गाइस क्लिक। क्रिएट पोस्ट विथ वीडियो पर हम क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें थंबनेल लगाना रहेगा। थंबनेल पर मैं यहाँ पर चला जाता हूँ। थंबनेल पर जाने के बाद यहाँ पर थंबनेल पर जाता हूँ, थंबनेल को कर लिया गाइस मैंने सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाता हूँ गाइस मैं नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद यहाँ पर कर देता हूँ गाइस मैं पब्लिश। यहाँ पर पब्लिश करने के बाद जो गाइस मेरी रिपोस्ट है वही वीडियो रिपोस्ट हो जाती है, बिना कॉपीराइट इसमें कोई भी नहीं आएगा। जो आपकी वीडियो है वही रिपोस्ट हो सकती है, अगर आपके पास कोई वीडियो अदरवाइज बनी हुई नहीं है। यहाँ पर जैसे हमारा कुछ इंटरफेस इस तरीके का आता है तो हम अपनी साइट को रिलोड कर लेते हैं तो हमारा जो इंटरफेस है वो चला जाएगा, जो हमारी वीडियो है वो रिपोस्ट हो जाएगी। तो गाइज यही थी वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गाइज मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि मतलब मेरी जो वीडियो है वो रिपोस्ट हुई है या नहीं हुई है, आपको मैं दिखाऊंगा कि मेरी कितनी वीडियो, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर पैंट की जो वीडियो है ये सबसे पहले आ चुकी है, देखना सबसे पहले आ चुकी है। नीचे जो है नीचे भी देखिए आप गाइस, यहाँ पर ओपन हो रहा है पेज, नीचे गाइस वही वीडियो है जो मैंने अभी ऊपर रिपोस्ट करी है। यहाँ पर थोड़ी स्पीड स्लो है, यहाँ पर देख सकते हैं पैंट की पॉकेट, एंड वो गाइस अब मेरी ऊपर आएगी, देखना
वही है ऊपर पैंट की पॉकेट। तो गाइस यही थी वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन वाले बटन पे क्लिक कर लेना। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं कौन वीडियो के साथ वापस, जब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।